दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल इन्फिनिटी नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मशीन जो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। जब सारी दुनिया में कोलोनाइजिंग का दौर चल रहा था, तभी एक डॉक्टर के दिमाग में रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट आया। तब साल था 1720 का और वो डॉक्टर का नाम था विलियम चुलेन। इन्होंने कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ला नहीं पाए। फिर वर्ष आया 1805 का, स्टडी होता रहा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक यूनाइटेड स्टेट के एक प्रोफेसर ओलिवर इवेंस ने वेपर कूलिंग को यूज़ करते हुए एक रेफ्रिजरेटर का मॉडल बनाया। वो दुनिया का सबसे पहले प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर था, लेकिन इसके डिज़ाइन में कुछ खामियां जिससे ह्यूमन हेल्थ को बहुत खतरा होता था। इसमें रेफ्रिजरेंट के तौर पर अमोनिया यूज़ हो रहा था। अमोनिया इंसानी शरीर में जाने से आँख, नाक और फेफड़े को गंभीर रूप से ख़राब कर सकता है, जिससे इंसान का मौत तक भी हो सकता है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अमोनिया कितना खतरनाक साबित होता होगा। इसी बीच 1900 ईस्वी की शुरुआत हो चुकी थी। जब सारे देश वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे, तब एक अमेरिकी कंपनी रेफ्रिजरेटर का सक्सेसफुल मॉडल मार्केट में उतार चुकी थी और वह अमेरिकी कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रॉनिक। और यह रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा बिकने वाला रेफ्रिजरेटर उस टाइम में बन चुका था। और यह है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा पहला मॉडल। इसके साथ समय बीतता गया और टेक्नोलॉजी में सुधार होती गई। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन